Hello dear students, I hope you all are fine better. In previous lecture we had discussed about the crusades. हमने crusades के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि तीन crusades हुए थे between Christians and Muslim people. तो तीनों के reason और time period हमें पता लग गया. I think you have no any doubt regarding your topic. Today we are going to discuss our next topic, that is economy. हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स थे वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ कैसे सर्वाइव करते थे, यानी जो लोग थे उनके अर्निंग सोर्स क्या हुआ करते थे. तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ इकॉनमी. एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम पेज नंबर 91 to 94, पेज नंबर इन योर एनसीईआरटी बुक. सो तो उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन होता था, यानी जो उनका मेन काम होता था, दैट इज़ एग्रीकल्चर. चीफ ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर. मेनली जो इनकम हुआ करती थी लोगों की वो एग्रीकल्चर से हुआ करती थी. और जो लैंड हुआ करती थी, यानी जो लैंड ऑक्यूपाइड थी, ओन थी, वो बिग और स्मॉल पीजेंट्स के द्वारा थी. तो ऑनरशिप किस किस की थी? बिग एंड स्मॉल पीजेंट्स कह लो या फार्मर्स कह लो. और कुछ जो पार्ट होता था ना, सम पार्ट पे किसकी ऑक्यूपेशन हुआ करती थी? स्टेट की, यानी वहाँ के गवर्नमेंट की, वहाँ के रूलर्स की क्या हुआ करती थी? ऑनरशिप हुआ करती थी. और ये जो कौन सी लैंड हुआ करती थी जिस पे स्टेट की ऑनरशिप होती थी या ओन्ड बाय स्टेट होती थी, वो कौन सी लैंड हुआ करती थी, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हो जाता था, यानी आफ्टर मुस्लिम कॉन्क्वर्ड, जब मुस्लिम्स रूलर जो थे वो कॉन्क्वेस्ट कर लेते थे, उस जगह को हासिल कर लेते, उस पर जीत कर लेते थे. तो जब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हो जाते थे तो उस पहले जो उस लैंड के ओनर हुआ करते थे, उस लैंड को क्या कर देते थे, वो छोड़कर चले जाते थे. और फिर ये जो लैंड आ जाती थी, यानी अबंडन बाय ऑनर्स, फिर ये लैंड किसके पास आ जाती थी? स्टेट के पास आ जाती थी. ठीक है जी, मैंने आपको क्या बताया, वहाँ की जो इकॉनमी थी, यानी जो मेन सिस्टम चल रहा था, इकॉनमी स्ट्रक्चर चल रहा था, वो एग्रीकल्चर बेस्ड था. वहाँ पे एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन हुआ करते थे. दो तरह के किसान हुआ करते थे, बिग एंड स्मॉल. और जो लैंड होती थी उन पे ऑनरशिप बिग या स्मॉल पीजेंट्स की होती थी. और कुछ एक जगह ऐसी हुआ करती थी जिस पे स्टेट का कब्जा हुआ करते थे, यानी वहाँ के रूलर का कब्जा हुआ करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट का कब्जा हुआ करता था. ठीक, तो ऐसी कौन सी जगह थी जिस पे स्टेट का कब्जा हुआ करता था या जो गवर्नमेंट के अंदर आ जाती थी, अंडर आ जाती थी? कहते हैं कि जिस जिस जगह पे मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ, यानी जिस जिस जगह पे मुस्लिम कॉन्क्वेड हो गया था, इस्लाम धर्म एक्सपेंड होने लग गया था, तो वहाँ के जो ओरिजिनल ओनर्स हुआ करते थे वो वहाँ से छोड़कर चले जाते थे, उस लैंड को छोड़कर चले जाते थे. और वो लैंड क्या आ जाती थी? स्टेट के अंडर आ जाती थी. ठीक है जी, स्टेट के अंडर. तो ऐसी लैंड जो ओनर्स के द्वारा छोड़ दी जाती थी, अब वो लैंड किसके अंडर आ जाएगी? स्टेट के अंडर आ जाएगी. और फिर ये जो लैंड थी ये किसको दे दी जाती थी? ये दे दी जाती थी मेंबर्स ऑफ खलीफ. खलीफ, हमने चार खलीफ पढ़े थे, उस खलीफ के जितने भी फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे उनमें से किसी ना किसी को ये लैंड क्या कर दी जाती थी? दे दी जाती थी. ऑनरशिप किसके पास आ जाती थी? मेंबर्स ऑफ खलीफ के पास आ जाती थी. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा. मैंने आपको लैंड के बारे में बताया, वहाँ जो लैंड थी वो दो तरह के किसान संभालते थे, एक छोटे किसान और एक बड़े किसान. लेकिन कुछ लैंड ऐसी भी हुआ करती थी जिसको स्टेट संभालती थी, गवर्नमेंट संभालती थी. और वो लैंड ऐसी होती थी जो आफ्टर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑनर्स द्वारा छोड़ दी जाती थी और फिर वो स्टेट के अंडर आ जाती थी. और इस लैंड को किसको हैंड ओवर कर दिया जाता था? मेंबर्स ऑफ खलीफ को, यानी जो खलीफ थे उनके फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिया जाता था, ये ज़मीन दे दी जाती थी. ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि जो इनकम हुआ करती थी गवर्नमेंट की या उस एम्पायर की, उस एम्परर की, तो वो कैसे इस एरिया से इनकम को प्रोड्यूस करता था, उसके बारे में हम बात करेंगे.
तो वो मेनली क्या लिया करता था इन लैंड ओनर्स से, या हम कह सकते हैं फार्मर से, क्या लिया करता था? टैक्स लिया करता था। क्या लिया करता था? टैक्स लिया करता था। टैक्स जो थे वो तीन तरह के थे। कितने तरह के थे? थ्री टाइप्स के टैक्स थे। हम उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो टैक्स था दैट इज खर्च। क्या था? खर्च। और सेकंड जो था दैट इज उष्र। क्या था? उष्र। एंड थर्ड वन इज इक्तास। क्या था? इक्तास। इन टैक्स के बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि जो टैक्सेस खर्च थे ना, वो उन लैंड पे लगा दिए जाते थे जो लैंड क्या करते थे, अरब्स के द्वारा कॉन्क्वर्ड कर ली जाती थी। कॉन्क्वर्ड बाय अरब्स, अरब्स के द्वारा यानी मुस्लिम्स लोगों के द्वारा, मुस्लिम कन्क्वेस्ट के द्वारा जो लैंड हासिल कर ली जाती थी उस पे जो टैक्स लगता था उसको कहते थे हम खर्च। तो ये जो टैक्स लगता था, या तो वो लगेगा 1/2 या वो लगेगा 1/5। ठीक है, आपकी बुक में हाफ टू और फिफ्थ दे रखा है, दैट मीन्स या तो हाफ लगेगा या उस प्रोड्यूस का 1/5 पार्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ कल्टीवेशन, यानी कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन। जो भी सिचुएशन रहेंगी प्रोड्यूस की, अगर अच्छी हुई है तो आधी ले लेंगे, अगर थोड़ी मौसम की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई है तो उसका 1/5 पार्ट ले लिया जाएगा। लेकिन खर्च टैक्स जो था वो कौन सी लैंड्स पे लगाया जाता था? ऐसी लैंड्स पे जो मुस्लिम लोगों की पहले से नहीं थी, उन्होंने उन पर कब्जा किया था अपने रिलीजन को एक्सपेंड करते के टाइम या अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते टाइम। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे उश्र की। उश्र लैंड जो थी वो पहले से ही किसके पास थी? मुस्लिम्स लोगों के पास थी। और उस पे जो टैक्स लगा दिया जाता था दैट इज हाफ, दैट इज 1/10, यानी प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा जो टैक्स था वो ले लिया जाता था। 1/10 पार्ट जो था वो प्रोड्यूस का ले लिया जाता था। तो इस तरह से क्या हो रहे थे, टैक्स कलेक्ट किए जा रहे थे और वहाँ के एम्पायर को इनकम प्रोवाइड की जा रही थी, या उस एम्पायर की इस तरह से इनकम हो रही थी। तो इस तरह से दो टैक्सेस वहाँ पर लिए जा रहे थे, एक खरज और एक उश्र। लेकिन क्या हो रहा था, जो नॉन मुस्लिम्स पीपल थे ना, जो नॉन मुस्लिम्स पीपल थे वो अब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहे थे ना, तो उनसे लो टैक्सेस लिए जाते थे। क्या लिए जाते थे? लो टैक्सेस। यानी नॉन मुस्लिम्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम दे हैड टू पे लो टैक्स या लेस टैक्स कह सकते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता था? लेस टैक्स पे करना पड़ता था, जिस वजह से उस स्टेट की जो इनकम थी, स्टेट की जो इनकम थी वो क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, कम होती जा रही थी। यानी उन्हें इतनी इनकम नहीं हो रही थी, इस वजह से स्टेट इनकम जो थी वो डिक्लाइंड हो गई थी। ठीक है जी, तो फिर क्या कर दिया गया था 10th सेंचुरी में, फ्रॉम 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी से क्या कर दिया था, एक नया टैक्स लगा दिया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, इक्तास कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्तास कहते हैं। इक्तास जो टैक्स था ना वो किस पे लगता था? सैलरीज पे लगता था। किस पे लगता था? सैलरीज पे। यानी जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था अपनी सैलरीज पे, और उससे हुई इनकम को क्या कहा जाता था, इक्तास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तास कहा जाता था। तो ये तीन तरह के टैक्सेस हैं जो उस टाइम पीरियड में इस्लामिक लैंड्स पर लिए जा रहे थे, एक रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए, एक एम्पायर की इनकम को क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। जो इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और किसान दो तरह के हुआ करते थे, छोटे बड़े किसान। कुछ जो ज़मीन का हिस्सा था वो स्टेट संभाल रही थी, और उन्होंने मेंबर ऑफ खलीफ को क्या दे दी थी, हैंड ओवर कर दी थी। टैक्स वसूले जा रहे थे तीन तरह के, खर्च, उशर एंड इक्तास। अब हम बात करेंगे जो प्रोडक्शन हुआ करती थी वो कौन कौन सी प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो मेनली वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, फसलें हुआ करती थी, वो हुआ करती थी कॉटन की, जिसे हम नरमा कहते हैं, ऑरेंजेस,
बनानास, वाटरमेलन, स्पिनच एंड ब्रिंजल। तो इनकी क्या हो रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी और साथ ही साथ इन्हें क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। तो इन आइटम्स को क्या कर रहे थे वो लोग, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो ये सारी की सारी प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, जिससे उनकी जो इकॉनमी थी काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी अच्छी जो इनकम हो रही थी वहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई थी, यानी वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी की फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो जाती है और उसके पास एक्सेस में आ जाता है, तो वो और डेवलपमेंट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, और डेवलपमेंट करना चाहेगा। तो जब कोई एरिया फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो जाता है तो वो एरिया रूरल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होने लग गया था, अर्बनाइजेशन होने लग गया था। क्या होने लग गया था, अर्बनाइजेशन होने लग गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अर्बनाइजेशन। ये क्यों होने लग गया था, क्योंकि उस एम्पायर की जो थी इनकम होने लग गई थी, तो वहाँ पे मेजर चेंजेस आने लग गए थे। मेजर चेंजेस जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होने लगे और बाकी डेवलपमेंट भी होने लगे। तो जब एक एम्पायर या एक प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लग जाता है तो वो रूरल से अर्बन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अर्बनाइजेशन होने लग गया तो नंबर ऑफ सिटीज़, यानी बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो ग्रोन अप होने लग गई। क्या होने लग गई, ग्रोन अप होने लग गई। और इन सिटीज़ को मेनली जो था सेटल किया गया था अरब सोल्जर्स के द्वारा, यानी अरब सोल्जर्स इन्हें सेटल्स करते थे और इन्हें क्या कहा जाता था, गैरिसन सिटीज़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गैरिसन सिटीज़ कहा जाता था, जिसमें कौन कौन सी सिटीज़ आती थी मेनली, खूफा, बासरा जो इराक में है, फस्तैट, कैरियो जो इजिप्ट में है, बगदाद जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो किसी टाइम पे एक कैपिटल रह चुकी है, डमेस्कस, डमेस्कस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक कैपिटल रह चुकी है, एंड इस्फहान एंड समरकंद। तो ये कुछ मेजर सिटीज़ थी जो गैरिसन सिटीज़ के नाम से जानी जाती थी। इनका जो था वो ग्रोन अप होने लग गया था, ये डेवलपमेंट होने लग गए थे। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन में क्या हो गए थे, कुछ मेजर कॉम्प्लेक्स यानी टू मेन बिल्डिंग्स वहाँ पे डेवलप होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी, टू मेन बिल्डिंग्स। और वो जो बिल्डिंग्स थी कौन कौन सी थी, एक थी मस्जिद अल जामी, मस्जिद अल जामी एंड सेंट्रल मार्केट प्लेस, एंड सेंट्रल मार्केट प्लेस जिसे सक कहा जाता है, SUQ, सक। ठीक है, तो जो मेन हमने सिटीज़ की बात की थी वो सिटीज़ जो थी वो होम बन गई थी किन किन का, सिटीज़ वर होम टू। तो वहाँ पे मेनली उन सिटीज़ में कौन कौन रहते थे, रूलर्स रहते थे, एम्परर्स, ठीक, स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स। तो ये जो बड़े बड़े पर्सन हुआ करते थे ये उन सिटीज़ के अंदर रहा करते थे। तो जो आउटर पार्ट में रहा करते थे वो कौन थे, दैट इज ऑर्डनरी पीपल एंड सोल्जर्स। तो ये लोग क्या रहते थे, आउटर पार्ट रहते थे, इन सिटीज़ के बाहरी इलाके में रहते थे। और उन सिटीज़ में, जिन सिटीज़ की हमने बात करी है, उन सिटीज़ में कौन रहते थे, वो उनके घर हुआ करते थे, किनके, रूलर्स के, स्कॉलर्स के एंड मर्चेंट्स के। और आउटर पार्ट में कौन रहा करता था, ऑर्डनरी पीपल रहा करते थे और सोल्जर्स रहा करते थे।
साथ ही साथ क्या हुआ था वहाँ पर, इन्स बनने लग गई थी, यानी धर्मशाला वगैरह बनने लग गई थी, रेस्ट हाउस बनने लग गए थे। और ये सब के सब क्या थे, सिमेट्रीज थे, ठीक है जी। और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे वहाँ पे, ट्रेड का भी डेवलपमेंट होने लग गया था। तो हमने देखो दो पॉइंट पढ़ लिए जो हमारा टॉपिक था, दैट इज़ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ लिया, अर्बनाइजेशन भी पढ़ लिया। अर्बनाइजेशन में क्या हुआ था, गैरिसन सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। कुछ सिटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा एमर्ज्ड होकर आने लगी, डेवलप्ड होकर आने लगी, काफ़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई, जिसमें से दो मेन बिल्डिंग्स थी, मस्जिद अल जामी एंड सेंट्रल मार्केट प्लेस। और जो ये सिटीज़ थी, इन ये किन के घर हुआ करते थे, रूलर्स, स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स के। और इनके बाहरी इलाके में कौन रहा करता था, आम जनता रहा करती थी और सोल्जर्स रहा करते थे। अब हम बात करेंगे ट्रेड की। तो उस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड भी काफ़ी हुआ था। क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हुआ था, और उन्हीं प्रोडक्शन का हुआ था जो इस प्रोडक्शन के बारे में हम पीछे बात करके आए हैं। तो कौन कौन सी थी, कॉटन, ठीक है जी, स्पाइसेस का भी काफ़ी ज़्यादा तक ट्रेड हुआ था, और कॉटन टेक्सटाइल्स का क्या हो गया था, ट्रेड मतलब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, स्पाइसेस का ट्रेड होना शुरू हो गया था, एंड गन पाउडर, गन पाउडर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होने लग गया था। जो गन पाउडर कहाँ से लिया जाता था, इंडिया एंड चाइना से लिया जाता था। कहाँ से लिया जाता था, इंडिया एंड चाइना से लिया जाता था। तो वहाँ उस टाइम पीरियड में क्या हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेवलपमेंट भी हो गए थे। कॉटन टेक्सटाइल्स बनने लग गई थी, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लग गया था, और गन पाउडर की भी डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी, जिसको इंडिया और चाइना से मंगवाया जाता था। साथ साथ वहाँ पे कॉइनेज भी आया था, यानी कॉइन्स, हमने पहले भी कॉइन इस्लामिक कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे कॉइन्स का भी डेवलपमेंट हो गया था, जिसे हम कॉइनेज कहते हैं, यानी कॉइन की जो एज थी वो हो गई थी। तो कौन कौन से कॉइन थे, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स। तो इन तरीकों से क्या हो रहे थे, सिक्के वहाँ बनने शुरू हो गए थे। और साथ ही साथ एक और भी किस्सा हुआ था इस टाइम पीरियड में, यानी इस्लामिक लैंड में, वो क्या हुआ था, यूज़ ऑफ सैक हुआ था, यूज़ ऑफ सैक। अब ये सैक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने बैंकिंग सिस्टम में चेक पढ़ा होगा, या आपने अपनी लाइफ में कभी चेक के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, चेक के बारे में, जो आप बैंक से चेक अपना, मतलब आपको पासबुक दी जाती है तो साथ एक चेक बुक भी दी जाती है, तो आप अपने अकाउंट से कुछ भी निकलवा कर या चेक के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो वो चेक सिस्टम जो है वो इस्लामिक लैंड की देन है, यानी ये जो चेक सिस्टम है, और हम कह सकते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहाँ से आया है, इस्लामिक लैंड से आया है। तो ये दो मेन जो चीज़ें आज तक एग्जिस्ट कर रही है वो हमें इस्लामिक लैंड ने दी हैं। और साथ ही साथ पता क्या हो रहा था, साथ ही साथ जो अरब और इरानियन ट्रेडर्स थे ना, अरब एंड इरानियन ट्रेडर्स, ये मोनोपली कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मोनोपली कर रहे थे, यानी 5 सेंचुरी के लिए इन्होंने ट्रेडिंग में मोनोपली करी थी। और भी ट्रेडर्स थे, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया एंड यूरोप। अरब और इरानियन ट्रेडर्स जो थे वो मोनोपली कर रहे थे, किसके साथ, चाइना, इंडिया एंड यूरोप के साथ। तो मैं आपको मोनोपली बताती हूँ क्या होता है। पहले तो किसके साथ कर रहे थे ये, चाइना, इंडिया, यूरोप के साथ। मोनोपली एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जिसमें प्रोड्यूसर क्या होगा, सिंगल होगा, लेकिन कस्टमर क्या होंगे, कस्टमर वो क्या होंगे, मैनी होंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रोड्यूसर सिंगल होगा और कस्टमर मैनी होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस होता है ना, वो किनके हाथ पे होता है, प्रोड्यूसर के हाथ पे होता है। तो वो अपने मन चाहे क्या कर सकते हैं, प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो ये अरब और इरानियन ट्रेडर्स की मोनोपलीज हो गई थी, किसके साथ, चाइना, इंडिया एंड यूरोप के साथ, 5 सेंचुरीज के लिए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ट्रेड किया था और काफ़ी इकॉनमी को अपनी स्ट्रॉन्ग किया था बाय द मेथड ऑफ ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एंड
इसकी वजह से उनकी पूरे एम्पायर में क्या होने लग गया था, अर्बनाइजेशन होने लग गया था। ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो उनकी जो इकॉनमी का बेसिक बेस था वो एग्रीकल्चर था, जिसमें हमने टैक्स देखे, तीन तरह के टैक्स थे जिनसे उनको इनकम हो रही थी। फिर हमने उनकी फसलों की बात करी भी, कौन कौन सी फसलें वहाँ पे उगाई जा रही थी। जब उनकी इनकम स्ट्रॉन्ग होने लग गई तो उनमें क्या थी, डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ आ गई थी और वो रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहे थे। तो अर्बनाइजेशन में काफ़ी सिटीज़ डेवलप्ड होके आई जिनके बारे में हमने बात की, और कुछ बिल्डिंग्स भी डेवलप्ड होके आई जिसमें से दो मेन बिल्डिंग्स की हमने बात की। एंड जो मेनली सिटीज़ थी जो एमर्ज होके आई या डेवलप्ड होके आई, वो रूलर्स और स्कॉलर्स मर्चेंट्स के हाउसेस बन गए थे, और उनके आउटर पार्ट में ही ऑर्डनरी पीपल और सोल्जर्स को रहने की अनुमति थी। वहाँ पे रेस्ट हाउस और इन्स वगैरह भी काफ़ी डेवलप्ड हुई थी। साथ ही साथ ट्रेड डेवलपमेंट भी उस टाइम पीरियड में हुआ था, और ट्रेड हुआ था कॉटन, मतलब कॉटन टेक्सटाइल्स डेवलप्ड होने लग गई थी, स्पाइसेस का ट्रेड होने लगा, और गन पाउडर भी काफ़ी हद तक मंगाया जाने लगा इंडिया और चाइना से। कॉइनेज का भी टाइम पीरियड आ गया था, सिल्वर गोल्ड और कॉपर तीनों के कॉइन बनने लग गए थे। और चेक और बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत की थी वो इस्लामिक लोगों ने की थी, इस्लामिक लैंड में ही इनका डेवलपमेंट हुआ था जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ट्रेड था वो काफ़ी हद तक होने लग गया था और पेमेंट का जो सिस्टम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, इसलिए इस्लामिक लैंड ने क्या डेवलप किया था, चेक और बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया था। 5 सेंचुरी तक जो अरब और इरानियन ट्रेडर्स थे उन्होंने मोनोपलाइज कर दी थी मार्केट इंडिया, चाइना और यूरोप के साथ। तो यही आपका टॉपिक है जो पेज नंबर 89 to 91 to 93 में दिया गया है। प्लीज़ इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, बुक में से रीड आउट कर लें, एंड प्रिपेयर योर नोट्स वेरी नीटली एंड इनोवेटिवली। After that, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray, don't forget to prepare your notes, and don't try to make your work pending. See you in next video. Till then, take care. Thank you.